सर रिसेंट अब इस टाइम तक हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट 1327 है तकरीबन पूरे बलोचिस्तान में। सस्पेक्टेड पेशेंट हमारे पास 5000 से अबो है इस टाइम। और अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्टों में और स्कैनिंग कराई है तकरीबन 20,000 पेशेंट की, जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी और सिबी में। उसमें तकरीबन हमारे पास 3 पेशेंट आए, उसमें HBS और HCV के ज़्यादा पेशेंट आए, तकरीबन 2000 पेशेंट आए। और हमने इसीलिए किया है कि जो सिंध में केसेस आए थे रतोदरो में रिसेंटली, तो हमें वही डर था कि अभी हमने यूनिसेफ के ताउन से वहाँ पे स्क्रीनिंग कराई है 10 दिन की मुहिम, उसमें तकरीबन हमने 20,000 पेशेंटों को कराई, उसमें सिर्फ 3 पॉजिटिव आए, वो भी 2 केसेज हमारे पास जलमक्सी से डायग्नोज हुए हैं और 1 पेशेंट अपना जाफराबाद से हुआ है। जो जलमक्सी के हैं वो रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर थे उधर सिंध में लाड़काना में, और उनको हमने रेफ़र किया वहाँ पे, वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। बाकी इस टाइम तक हमारे पास सेफ है। हमें डर था कि ऐसे नहीं कि वहाँ पे जैसे सिंध में जो रतोदर में मसला हुआ है वो मसला हमारे साथ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी यूनिसेफ को, यूनिसेफ ने हमारे साथ ताउन किया और हमने वो कर लिया है। सबसे कम पेशेंट है और अवेयरनेस तो हम चला रहे हैं, अभी भी हमारा ये वर्ल्ड एड्स डे के साथ 10 दिन का अवेयरनेस मुहिम चल रहा है। जैसे आप आज देख रहे हैं साइकिल रैली है, उसके बाद हमारा अपना लियाकत पार्क में फैमिली फेस्टिवल है, और उसके बाद 3 तारीख को हमारा वो है वर्ल्ड एड्स डे। वैसे कि जो फर्स्ट संडे को आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 3 तारीख को BMC में रखा है जो फंक्शन होगा, उसमें मिनिस्टर साहब भी आएंगे और आप लोगों में भी इंशाल्लाह बुलाएंगे, उसमें हम लोग और भी आप लोगों को ब्रीफ, और 30 तारीख को हम लोग आपको ब्रीफ देंगे सारे मीडिया को। और आज का जो साइकिल रैली का मकसद यही है, जो मुनक़द किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि एड्स के हवाले से लोगों में शऊर और आगाही फैलाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मोहलक और ख़तरनाक मरज़ है जो खामोशी से अमला करता जा रहा है। और इस वक्त काफ़ी लोग ज़्यादा जो है इसमें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 5,000 के करीब हैं, और जो गैर रजिस्टर्ड हैं जो उनको अद्वियात नहीं ले रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग शर्म का वजह से अपने रस्म रिवाजों के हवाले से इसमें जो है सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी ये वही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यकम को मना रहे हैं, इसका मकसद यही था कि सब लोग इसमें शामिल हों और सबको पता हो कि ये बहुत ख़तरनाक मरज़ है और ये जो है किसी को नहीं बख्शता, और ये आस्था आस्था दिमाग की तरह इंसान को कहा जाता है और वाइट सेल ख़त्म कर जाता है। जब वाइट सेल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो बंदा जो है नाकारा हो जाता है। और इसके लिए जो है BMC में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से ट्रीटमेंट सेंटर भी, पलवा सेंटर जिसके नाम से मशहूर है, वहाँ इसका ट्रीटमेंट हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अपना इलाज करें और ताकि उनको ये पता चले कि हम लोग एक मोहलक मरस का इलाज भी है, क्योंकि ये एक वायरस है, ये ख़त्म नहीं हो गया, ये शुगर की मरस की तरह है और ये जो है मुसलसल का एक अमल है। जब तक ये आप मुसलसल इसके मेडिसन नहीं लेंगे, आप पे ये मरस आपका बदन में रहेगा। जो बस्तर को 3 दिन हो जाओ 3 दिन।